जय माँ दुर्गा। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इस दुर्गा पूजा पर आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, दुनिया उजालों से रोशन हो, घर पर माँ दुर्गा का आगमन हो। आप सभी को लिविंग हैप्पीली में नरेंद्र कुमार की ओर से शारदीय नवरात्र की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि का आशीर्वाद दें, यही मैं अपने तहे दिल से हार्दिक कामना करता हूँ। सुख, शांति, समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आप एवं आपके परिवार को नवरात्र की हार्दिक मंगल कामनाएं। आइए आज इस अवसर पर जानते हैं दशहरा के बारे में। आज यह एक जरूरत बन गया है हर एक को बताने के लिए, जैसा कि यह भारतवर्ष के कई भाग में मनाए जाते हैं और कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां यह नहीं मनाए जाते हैं। तो आज जरूरत है सबों को इसके बारे में बताने का। तो आइए जानते हैं हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं। संसार में जब जब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, अधर्म धर्म पर हावी हो जाता है, दानत्व देवत्व प्रतिष्ठा को धूमिल करने लगता है, तो धर्म एवं देवत्व को पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए, असुरी शक्तियों का दमन करने के लिए लोक मंगल की भावनाओं से प्रेरित होकर अवतारी शक्तियां पृथ्वी पर अवतीर्ण होती हैं। विजयादशमी का यह पर्व इसी परंपरा का प्रतीक है। यह धर्म की अधर्म पर तथा देवत्व की दानत्व पर विजय का प्रतीक विजय पर्व तथा शक्ति एवं पावनता का प्रतीक है। विजयादशमी का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर पौराणिक कथाओं को माने तो असुर सम्राट महिषासुर नाम का एक दैत्य होता था जो कि समूचे ब्रह्मांड में अत्याचार मचा रखा था। सभी प्राणियों को ऋषि मुनियों देवी देवताओं का जीना दुर्लभ कर दिया था, अधर्म को नाश करने का बीड़ा उठा लिया था। इस परिस्थिति में सभी देवगण व्याकुल हो गए और सभी देवों के महादेव शंकर के शरण में गए, और यह सब जानकर देवों के महादेव को क्रोधाग्नि से एक महाशक्ति का जन्म हुआ। सभी देवताओं ने शस्त्र प्रदान किए। इस शक्ति ने 9 दिन निरंतर संघर्षरत रहकर 10वें दिन अश्विन शुक्ल को महिषासुर का वध कर दिया। दूसरी कहानी रामायण से है, जो कि श्री राम ने भी लंका से राक्षस का वध किया रावण का। इसी दिन क्षत्रिय लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। गुजरात में इस पर्व पर लोग गरबा नृत्य आदि के साथ पूजन करते हैं। बंगाल में यही त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस अवसर पर विशाल मेला लगता है। उत्तर भारत में स्थान स्थान पर रामलीला होती है। विजयादशमी के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को जलाया जाता है। इस रावण वध के पीछे हम अधर्म का नाश, बुराई का नाश करते हैं। मित्रों, यही वक्त है हमें भी खुद से संकल्प लेने की, अपने अंदर बसे हुए अधर्म को, बुराई को नाश करना। मेरा मानना है रावण वध के दौरान हम 3
मूर्तियों का नाश करते हैं, उनके पुतले बनाते हैं, बड़े बड़े पटाखों के साथ उनका सर्वनाश कर आनंदित होते हैं। इसी तरह से अपने मन के अंदर बसे हुए आलस, क्रोध, लोभ को भी आज ही संकल्प करना है कि इसका विनाश कर देना है, तभी वास्तविक विजयादशमी का आनंद हम उठा पाएंगे। इस दिन श्री राम की भव्य सवारी भी निकाली जाती है तथा एक विशाल मैदान में राम रावण युद्ध दिखाया जाता है। श्री राम के बाण से पुतले जल उठते हैं तथा उनसे भरी आतिशबाजी जन समूह को आनंदित करती है। इस तरह से आज हम जाने हैं कि यही विजयादशमी, दुर्गा पूजा अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। मित्रों, तभी तो हम भारत को अनेकता में एकता कहते हैं, जहां की मूलतः हम एक ही मकसद से किसी भी धर्म, किसी भी पूजा पाठ करते हैं। धर्म यानी कि इंसानियत, पवित्रता, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही हम धर्म करते हैं, जिससे कि अपने बुराइयों को पूर्णतः शरीर से निकाल सके। यह विजयादशमी का त्योहार हिंदू जनमानस के लिए श्रद्धा एवं विजयोल्लास का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हमें धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन हमें अवश्य यह प्रण लेना चाहिए कि हम बुराई का नाश करने के लिए सदा तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम अपने अंदर की बुराइयों को, आसपास की बुराइयों को, समाज के बुराइयों को और देश की बुराइयों का नाश करेंगे और तभी वास्तविक विजयादशमी का आयोजन सफल माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।